हेलो दोस्तों, मैं संजू आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी शाम का टाइम है, शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अभी जा रही हूँ पानी लाने के लिए। दोस्तों, चापाकल ज़्यादा दूर नहीं है, घर के सामने में ही चापाकल है दोस्तों। तो ये देखिए, चापाकल हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग चापाकल पहुँच चुके हैं और यहाँ पर पहले सोलर नहीं लगा हुआ था दोस्तों। अभी तो 2 महीना हो गया सोलर लग के, यहाँ पर सोलर भी लगा है अभी, तो पानी ले जाने में सुविधा हो गई है थोड़ा दोस्तों। दोस्तों, मैं पानी लेके आ चुकी हूँ और ये देखिए, अभी शाम का टाइम है तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। तो ऐसे मौसम में आज कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है मेरा, तो आज कुछ बनाऊंगी दोस्तों मैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज मैं क्या बना रही हूँ। जिसको बनाने के लिए चावल का आटा चाहिए और ये बेसन, मिर्चा गुंडा और नमक चाहिए और सबको मिलाने के लिए पानी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, इन सब से मैं मुड़कू बनाने वाली हूँ आज। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए कि आज मैं कैसे मुड़कू बनाती हूँ। दोस्तों ये देखिए, हम लोग का जो प्यूस है वो मिर्चा गुंडा का डब्बा पकड़ने के लिए इधर से उधर घूम रहा है दोस्तों। उसको बेसन का डब्बा देने से उसमें नहीं खेल रहा है, उसको मिर्चा का डब्बा चाहिए दोस्तों, इसीलिए इधर से उधर भाग रहा है। दोस्तों, ये जो चावल का आटा और बेसन में मिक्स कर रही हूँ, तो इसमें मैं मिर्चा गुंडा अभी नहीं डाली हूँ क्योंकि आयुष और पीयूष नहीं खाएंगे मिर्चा, तो इसीलिए ये लोग को पहले बिना मिर्च वाला मुड़कू बना के निकाल देंगे, उसके बाद मिर्चा गुंडा डालेंगे दोस्तों। दोस्तों, चावल का आटा और बेसन को मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ और मेरे पास मुड़कू बनाने के लिए मुड़कू मेकर नहीं है, तो इसीलिए जो सरसों तेल वाला प्लास्टिक है उसको मैं काट के इसी में अभी मुड़कू बनाऊंगी दोस्तों। दोस्तों ये देखिए, कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है। तो दोस्तों, अभी करंट का जो है थोड़ा इशू आ रहा है, अप डाउन हो रहा है वोल्टेज, तो इसीलिए अभी इंडक्शन में नहीं बना पाऊंगी मैं मुड़कू, तो इसीलिए अभी गैस जलाना पड़ेगा और गैस में बनाना पड़ेगा दोस्तों मुड़कू।
दोस्तों जो सरसों तेल का प्लास्टिक था जिसको हम लोग काटे थे, तो उसी में अभी जो चावल के आटे का और बेसन का पेस्ट बनाए हैं उसको मैं डाल दूंगी। और डालने के बाद उसको एक कोने में थोड़ा सा छेद कर दूंगी दोस्तों, कैंची से काट दूंगी। तो दोस्तों मैं मुड़कू बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ और मुड़कू मेरे घर में सभी को पसंद आते हैं दोस्तों। दोस्तों पीयूष बार बार मुड़कू खाने के लिए जिद कर रहा है, तो मुड़कू अभी हुआ नहीं है दोस्तों। बच्चों को समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं जल्दी। तो दोस्तों बिना मिर्च वाला मुड़कू मेरा बनके रेडी हो गया है, तो अभी मुझे मिर्च वाला बनाना है। तो इसीलिए पीयूष को मैं खेलने के लिए बैठा चुकी हूँ दोस्तों, और अभी मैं मिर्च ऐड करूँगी और मिर्च ऐड करने के बाद मिर्च वाला मुड़कू बनाऊँगी दोस्तों। दोस्तों ये देखिए पीयूष को, ये बार बार बाहर निकल के आ रहा है और मेरा काम डिस्टर्ब कर रहा है दोस्तों। मुझे बार बार पीयूष को लेने के लिए आना पड़ रहा है क्योंकि बाहर में पत्थर उत्थर खा सकता है और गिर भी सकता है दोस्तों, तो इसीलिए मुझे बार बार पीयूष को लेने के लिए आना पड़ रहा है। दोस्तों जब तक मुड़कू बन रहा है तब तक मैं बर्तन धो के आ जाऊँगी।
तो दोस्तों फाइनली मेरे सारे मुड़कू बनके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी मैं आप लोगों को चख के बताऊंगी कि कैसे बना है मुड़कू। ये देखिए दोस्तों, इतना सारा मुड़कू बना है मेरा, ये देखिए। अभी मैं आप लोगों को चख के बताऊंगी। चलिए दोस्तों बाहर, अंदर में बहुत गर्मी है। दोस्तों मुड़कू बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही तीखा बना है दोस्तों, क्योंकि आज मुझे तीखा खाने का मन ही कर रहा था। बहुत अच्छा बना है दोस्तों आज। दोस्तों जो मैंने आयुष और पीयूष के लिए बिना मिर्च वाला मुड़कू बनाए हैं, उसको मैं एक डब्बे में भर के रख दूंगी। दोस्तों हम लोग मुड़कू को स्टोर करके भी रख सकते हैं और बाद में भी खा सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं मुड़कू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।